अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं फिर से आपके लिए एक थल पोस का न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन है। आज देखिए हमारा थल पोस का पार्ट वन है। आज इस पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट में ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का न्यू डिज़ाइन देखने को मिले। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सेवन नंबर का क्रोशिया लिया है। यहाँ पे हम 12 चैन बनाएंगे। देखिए मैंने 12 चैन बना लिया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम 5 चैन बनाएंगे। देखिए हमने 5 चैन बना लिया है। अब इसको बीच में हम देखिए इसको यहाँ पे बीच में हम इसके सेंटर में इसको इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए मैं अटैच कर लिया। फिर से हम 5 चैन बनाएंगे। देखिए मैंने 5 चैन बना लिया। फिर से इसको यहाँ पे हम इस साइड में फिर से हम इसको अटैच करेंगे। देखिए हमें सेंटर में अटैच करना है। अब देखिए फिर से देखिए यहाँ पे हम 5 चैन बनाएंगे और इसके हम यहाँ पे इसके देखिए इस तरह से हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए फिर से देखिए हम 5 चैन बनाएंगे। देखिए हमने 5 चैन बना लिया है। अब यहाँ पे हम फिर से इसके इस साइड में हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए हमने अटैच कर लिया। फिर से हम 5 चैन बनाएंगे। देखिए अब इसके यहाँ पे हम इसको फिर से हम अटैच करेंगे। देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब फिर से हम 5 चैन बनाएंगे। देखिए हमने 5 चैन बना लिया है। अब देखिए धागे को हम 3 बार ऐसे देखिए इस तरह से 1 2 बार करके हम इसमें से इस तरह से धागा निकालेंगे। देखिए एक राउंड हो गया हमारा। फिर से 2 राउंड, अब 3 राउंड। और इसमें से इस तरह से हम बुनेंगे। इसी तरह हमें 5 बार बुनना है। देखिए फिर से हम 2 राउंड लपेटेंगे और इसमें से धागा देखिए हम ये धागा हमारा फर्स्ट वाला छोटा रहेगा। देखिए इस तरह से 3 राउंड करके इस तरह से
धागे को बुनेंगे। फिर से देखिए, हम दो बार ऐसे लपेटेंगे और फिर से हम उसी तरह से तीन राउंड करके बुनेंगे। ये हमारा चार हो गया। फिर से देखिए एक बार और, देखिए हमारा पांच फंदा बन चुका है। फिर से यहाँ पे हम पांच चैन बनाएंगे, पांच चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से हम इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर से देखिए इस वाले फंदे में से हम इस वाले चैन में से देखिए इस तरह करके पांच चैन बनाएंगे। पांच चैन हमारा हो चुका है। फिर से उसी तरह से हम दो राउंड इसमें क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और तीन राउंड करके इस तरह से हम से भी हमें पांच फंदा बनाना है। देखिए हमारा पांच फंदा हो चुका। फिर से हम पांच चैन बनाएंगे। अब इसको यहाँ पे हम इस तरह से अटैच करेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए हम इस वाले चैन में से इस तरह से धागा निकालेंगे और पांच चैन बनाएंगे। फिर से हम पांच चैन बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। अब देखिए फिर से हम पांच चैन बनाएंगे। देखिए हमने पांच चैन बना लिया है। अब उल्टी साइड से देखिए यहाँ पे हम बीच में इस तरह से बुनेंगे। देखिए हमने बीच में बुनाए, फिर से हम पांच चैन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इस साइड में यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर से हम पांच चैन बनाएंगे। और इसके बीच में से हम इस तरह अटैच करेंगे। देखिए मैंने अटैच कर लिया। फिर से पांच चैन बनाएंगे। और यहाँ पे हमें अटैच करना है।
फिर से हम पांच चैन बनाएंगे। देखिए चैन हमारा छः होना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच, और एक और बनाएंगे, फिर से पांच चैन हम बनाएंगे। और इसको यहाँ पे हम फिर से अटैच करेंगे। अब देखिए फिर से हम पांच चैन बनाएंगे। देखिए पांच चैन बनाने के बाद इस तरह से फिर से हम इसमें से दो राउंड लपेटेंगे, और फिर से देखिए हम ऐसे फंदा बनाएंगे, फिर से देखिए हम दो राउंड लपेटेंगे और इसमें से इस तरह से बुनेंगे, फिर से दो राउंड बनाएंगे। इसे देखिए दो राउंड लपेट के हम इसमें से फंदा इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए हमने फर्स्ट बार में पांच बनाया था, पांच फंदा, इस बार में भी हम दूसरी लाइन में भी हम फिर से इसी तरह से पांच फंदा बनाएंगे। देखिए एक दो तीन चार पांच, फिर से हम पांच चैन बनाएंगे यहाँ पे। और इसको यहाँ पे फिर से हम इस तरह से बुनेंगे, फिर से दूसरे वाले चैन में से ऐसे ही हमें इस तरह से देखिए इस तरह से निकालना है। फिर से यहाँ पे हम पांच चैन बनाएंगे। और दो राउंड लपेट के देखिए इस तरह से हम बुनेंगे, इसी तरह से हमें पूरा बुनना है। देखिए हमने पूरा बुन लिया है, हमारा हमने तीन कली बनाया, सेकंड लाइन में हमने छः कली बनाई है, एक दो तीन चार पाँच छः। और फिर से देखिए हम अब देखिए यहाँ पे हम छः चैन बनाएंगे। देखिए हमने छः चैन बना लिया है। अब इसको यहाँ से हम इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए हमें सेंटर में अटैच करना है। फिर से देखिए यहाँ पे छः चैन बनाएंगे। और इसको यहाँ पे अब देखिए कली की इस सेंटर में हमको अटैच करना है। फिर से देखिए हम छः चैन बनाएंगे। और इसके बीच में यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे।
देखिए हमने अटैच कर लिया। यहाँ पे हम फिर से पांच चैन बनाएंगे। पांच चैन बनाने के बाद फिर से उसी तरह से हम दो राउंड इस तरह से लपेटेंगे और इसमें से हम ऐसे धागा करके धीरे धीरे एक एक राउंड निकालते जाएंगे। फिर से देखिए हम दो राउंड लपेटेंगे। इस बार देखिए पहले हमने पांच फंदा बनाया था, इसमें हम छह फंदा बनाएंगे। देखिए हमने छह फंदा बना लिया, एक दो तीन चार पाँच छः। अब फिर से हम पांच चैन बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। उसी तरह से हमें फिर से पूरा हमें बुनना है ऐसे ही। देखिए ऐसे ही हमारा फ्लावर बन के तैयार होगा और बीच में अब देखिए हम वाइट कलर का धागा लगाएंगे। देखिए बीच में से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा तीन डबल क्रोशिया हो चुका है, इसमें भी हमारा तीन डबल क्रोशिया हुआ है। अब देखिए इसमें से हम फिर से तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। चारों तरफ से बुनने के बाद हम देखिए इसमें फिर से यहाँ पे हम अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा। सेम ऐसे ही